अमलतास का एक जर्द फूल बानो कुदसिया के सफेद बालों पर। तहरीर मुस्तनसर हुसैन तारड़। अशफाक साहब की वफात के बाद बानो आपा हकीकतन भरी दुनिया में अकेली रह गईं। जिस देवता के चरणों में वो हमा वक्त अकीदत और अतात गुजारी के फूल चढ़ाती थीं, वो अपना सिंहासन छोड़कर चला गया था। सिर्फ उनके बेटे असीर ने उनका साथ ना छोड़ा। बाकिया दो बेटे अपनी माँ के वजूद से बेखबर अपनी अपनी हयात के बखेड़ों में उलझे रहे। मंजूर झल्ले ने कहा था कि वाजा मारियां कई वार वे, किसी ने मेरी गल ना सुनी। उन्होंने भी आवाजें बहुत दी पर किसी ने उनकी बात ना सुनी। ना अशफाक साहब के रिश्तेदारों ने और ना ही उनकी किसी बहू ने, बल्कि उन पर अपने दरवाजे बंद कर लिए। बानो की जिंदगी यूनानी अलमिया ड्रामों से भी कहीं बढ़कर अलमनाक और दुख भरी थी। अशफाक साहब के रुख्सत होने पर वो कभी कभार सुबह सवेरे मॉडल टाउन पार्क में चली आती, अपना दुपट्टा बार बार सफेद बालों पर दुरुस्त करती, अपने ध्यान में मगन चली जाती। वो जून जुलाई के कहर आलूद गर्म मौसम थे और पार्क में अमलतास के जितने भी शजर थे उन पर जर चीनी लालटेनें रोशन हो गई थीं। हवा का एक झोंका सरसराता आया, अमलतास के फूलों के अंबार में इर्तियाश पैदा हुआ और वो फूल दरख्तों से जुदा होकर एक जर्द बारिश की सूरत धीरे धीरे गिरने लगे। उनमें से एक फूल एक जर्द तितली की मानिंद, एक भंवरे की मानिंद घूमता उतरा और बानो आपा के सफेद बालों में अटक गया। वो उसकी मौजूदगी से बेखबर थी और ये मंजर मेरे जहन के कैनवस पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। एक बूढ़ी हीर जिसका रांझा उससे बिछड़ गया था, उसकी उदासी में गुम और उसके सफेद बालों में अमलतास का एक जर्द फूल यूं अटका हुआ है जैसे वो उसके महबूब के हाथों का लिखा हुआ एक खत हो। और वो बेखबर है कि शायद उसके रांझे ने उसे ये जर्द प्रेम पत्र भेजा है। और तब मुझे महसूस हुआ जैसे उस अमलतास के जर्द फूल का रंग उनके बालों में सरायत करता उन्हें जर्द करता है, उनके चेहरे पर फैलता उसे सरसों का एक खेत करता है। और बानो कुदसिया उस लम्हे मुल्क चीन की कोई जर्द शहजादी लग रही थी। मैंने उस बेमिसाल जर्द तस्वीर को अपने एक कॉलम में नक्श किया, क्योंकि मैं ना कभी किसी को इत्तला करता हूँ और ना ही अपने कॉलम की कापी रवाना करता हूँ कि देखिए ये मैंने आपके बारे में लिखा है, कि मैं किसी के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए लिखता हूँ। तकरीबन एक माह के बाद बानो आपा का एक खत आया। उनके किसी चाहने वाले ने उन्हें इस कॉलम की फोटो स्टेट रवाना की थी। बानो आपा ने जिस तौर उस तहरीर को सराहा उसे मैं यहाँ नकल करने से गुरेज करता हूँ। वो मेरे तीनों बच्चों की शादियों में शरीक हुई, हर एक की हथेली पर कुछ रकम रखी, उनके लिए दुआ की, उन्हें प्यार किया। उनकी मौत की खबर उन तीनों तक न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और हनोई में पहुंची तो वो कितने दुखी हुए ये मैं बयान नहीं कर सकता। सुमैर ने कहा, अबू मैंने अभी तक वो नोट संभाल रखा है जो बानो आपा ने मुझे पिछली ईद पर ईदी के तौर पर दिया था। वो हमेशा मेरी खुशियों में शरीक रहीं। मेरी 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए वो अपनी नर्स और जुबैर अकरम के सहारे चली आईं। वो और अब्दुल्ला हुसैन सदारत के लिए मेरी पसंद थे कि वही मेरे नजदीक उर्दू अदब के सबसे बड़े नसर निगार थे। जब अबरारुल हक और फरीहा परवेज मेरी सालगिरह के गीत गाने के लिए स्टेज पर आए तो वो मुस्कुराने लगी, कभी कभी सर हिलाकर उन्हें दाद देती। जब गुलजार साहब की आवाज स्पीकर पर गूंजी, उन्होंने सालगिरह के हवाले से कुछ तौसीफी कलमात कहे तो पूछने लगी, ये कौन साहब है? मैंने कहा, बानो आपा ये मेरे दोस्त हैं, ये कहाँ होते हैं? बाद ऐसा उन्होंने मेरे बारे में कुछ गुफ्तगू की और मैं जान गया कि बानो आपा बहकती जा रही हैं, याददाश्त उनका साथ छोड़ रही है, उनकी आप बीती राह रवा में कदम कदम पर उनके भटक जाने के आसार हैं। वो भुलक्कड़ हो गई थी। जी चाहने के बावजूद मैं दास्तान सराय जाने से गुरेज करता कि वो न सिर्फ खुद एक भूली हुई दास्तान है बल्कि वो तो अपनी दास्तान भी भूल चुकी हैं। एक बार उनके यहाँ गया तो बहुत देर के बाद कहने लगी, मुस्तनसर तुम हो? तुम तो अशफाक साहब के ड्रामों के हीरो हुआ करते थे, बूढ़े क्यों हो गए हो? दास्तान सराय के आसपास सब गली कूचे खलक खुदा से भरे पड़े थे। मैमूना का कहना था कि बानो आपा का जनाजा इसलिए इतना बड़ा था कि लोगों ने उन्हें हमदर्दी का वोट डाला था। जो कुछ उन पर गुजरी उन्होंने
उफ तक ना की, बर्दाश्त किया तो लोग उनके सब्र को सलाम करने आए थे। वह अशफाक अहमद की बीवी के जनाजे पर नहीं, बानो कुदसिया के जनाजे पर आए थे। अगर उन्हें इस हुजूम का कुछ अंदाजा होता तो वह वसीयत कर जाती कि लोगों मत आना, मेरे जनाजे पर कम आना, मेरे महबूब की नस्बत मेरे जनाजे पर कम आना। पर लोग कहाँ सुनते हैं। वो आए और बेहिसाब आए, और उसके बावजूद बानो आपा ने तुर्क का आखिरी पत्ता अपनी मौत के बाद यूं फेंका कि अशफाक साहब के कदमों में दफन हो गई। मैंने आगे बढ़कर झांका तो उनकी कब्र बहुत गहरी थी। लहद में वो अपने सफेद कफन में रोपोश सिमटी सी सजाई हुई शर्माई हुई पड़ी थी कि उनके सिरहाने उनका महबूब सोया हुआ था, और बिलाखिर उनको वसल नसीब हो गया था। और जब गोरखनों ने कुदालों से उनकी कब्र को मट्टी से भर दिया और उस पर फूल चढ़ाए गए, तो मुझे एक मरतबा फिर अज़रा पाउंड का वो नोहा याद आ गया जो अख्तर हुसैन जाफरी ने लिखा था, तुझे हम किस फूल का कफन दें, तो जुदा ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ खाली थे, अमलतास का एक जर्द भंवरा फूल भी न था।